अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डे 11 से रिलेटेड कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैंने राइट ए टू जेड एंड सर्कल द वॉवेल्स, यहाँ पे बच्चे को स्मॉल ए टू जेड राइट डाउन करने के लिए स्पेस दी है और बच्चे को इसमें एडिशन क्या दिया है कि वॉवेल्स को सर्कल करना है, बच्चे को इसमें वॉवेल्स कौन कौन से है फाइंड आउट करना है और उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट है राइट बिफोर एंड आफ्टर अल्फ़ाबेट, यहाँ पे मैंने कुछ स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, बच्चे को इसके बिफोर और आफ्टर अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है और उसे लिखना है। नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वन, यहाँ पे मैंने कुछ पेयरिंग बनाई है कैपिटल और स्मॉल लेटर की, कुछ करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है, तो बच्चे को जो इनकरेक्ट पेयरिंग है उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट है राइट अल्फ़ाबेट इन करेक्ट ऑर्डर, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं स्मॉल लेटर में, बच्चे को इसका करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे राइट डाउन करना है, इससे क्या होगा कि बच्चे को अल्फ़ाबेट्स की जो सीक्वेंस है वो अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट है रीड एंड राइट, यहाँ पे मैंने कुछ टू लेटर वर्ड्स राइट डाउन करके दिए हैं, बच्चे को ये रीड करना है और इसे यहाँ पे राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर इट, यहाँ पे मैंने टू लेटर वर्ड्स इस तरह से कलर करने के लिए दिए हैं, जैसे इट एंड एट, बच्चे को ये टू लेटर वर्ड्स फाइंड आउट करना है और इसमें कलर करना है, जैसे इट में ब्लू कलर और एट में रेड कलर। नेक्स्ट है जोड़े मिलाओ, यहाँ पे मैंने हिंदी के कुछ स्वर दिए हैं, बच्चे को इसे मैच करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है मैथ्स की वर्कशीट, यहाँ पे मैंने 1 to 20 नंबर्स लिखने के लिए स्पेस दी है ताकि बच्चे को ये 1 to 20 की जो सीक्वेंस है वो अच्छे से याद हो जाए। मैथ्स में नेक्स्ट है रीड एंड राइट, यहाँ पे मैंने नंबर नेम कुछ लिख के दिए हैं 1 to 4, तो बच्चे को ये रीड करना है और यहाँ पे राइट डाउन करने के लिए स्पेस दी है। नेक्स्ट है काउंट द साइड्स एंड कलर इट, यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ करे हैं, बच्चे को इसके साइड्स काउंट करने हैं और यहाँ पे उसके साइड्स राइट डाउन करने हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है इसमें कितने साइड से बच्चे को फाइंड आउट करना है, तो बच्चे से काउंट करने लगाइए आप, जैसे 1, 2, 3 and 4, रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं तो बच्चा यहाँ पे 4 लिखेगा, इस तरह से फिर इसको बाद में कलरिंग भी करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे मैंने डेज ऑफ द वीक को इस पैटर्न में लिखा है कि कुछ अल्फ़ाबेट मिसिंग करके लिखे हैं, बच्चे को कौन सा अल्फ़ाबेट मिसिंग है इसमें से फाइंड आउट करना है और उसे यहाँ पे राइट डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस बची थी तो अगेन मैंने लाइन ट्रेसिंग डाल दी है। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड कलर इट, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, डॉट्स के ज़रिए बच्चे को इसको कनेक्ट करना है और एक डायग्राम कम्प्लीट करना है और उसके बाद इसे कलर करना है, जैसे यहाँ पर मैंने डेज ऑफ द वीक की 2 डेज इंक्लूड किए हैं, जैसे SUNDAY MONDAY, ओके। अगर आपको पिछले डेज की वर्कशीट चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से पिछले डेज की वर्कशीट्स इजीली मिल जाएंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।